जनमत की पुकार में आपका स्वागत है। दयालपुर पुलिस ने कुख्यात लुटेरे को किया गिरफ्तार। दिल्ली के दयालपुर पुलिस स्टेशन से एक बड़ी खबर सामने आई है। यहां नारकोटिक्स स्क्वाड और दयालपुर पुलिस ने कुख्यात लुटेरे को पकड़ा है, जिसके बाद पुलिस ने दयालपुर थाना क्षेत्र में हुई दो लगातार लूट की घटनाओं का खुलासा भी कर लिया है। गिरफ्तार लुटेरे का नाम आमिर उर्फ खन्ना कबाड़ी है। वह 24 साल का है और दिल्ली के न्यू मुस्तफाबाद का रहने वाला है। बताया जा रहा है कि आमिर एक आदतन अपराधी है, जिसके खिलाफ चोरी के साथ 4 संगीन मामले भी दर्ज हैं। पुलिस के अनुसार आमिर ने लूट के वारदाता को आसानी से पैसा कमाने और अपनी नशे की लत को पूरा करने के लिए अंजाम दिया था। दयालपुर थाना क्षेत्र में 9 अक्टूबर को दो लूट की घटनाएं हुई थी। पहली घटना में एक महिला से बैग छीन लिया गया, वहीं दूसरी घटना में एक अन्य महिला से उनका मोबाइल छीना गया था। इन दोनों घटनाओं के बाद दयालपुर थाने में 2 मामले दर्ज किए गए और जाँच शुरू की गई। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर जांच शुरू की, जिसके बाद संदिग्ध अपराधी के संभावित ठिकानों पर छापेमारी की, जिसके बाद आमिर को गिरफ्तार कर लिया गया। आमिर से पूछताछ के बाद पुलिस ने एक मोटरसाइकिल भी बरामद की, जिसका इस्तेमाल उसने लूट की वारदातों को अंजाम देने के लिए किया था। पुलिस के अनुसार मोटरसाइकिल गोकलपुरी थाना क्षेत्र से चोरी की गई थी। पुलिस ने आमिर के पास से 3 मोबाइल फोन भी बरामद किए हैं, जिनमें से 2 दयालपुर थाना क्षेत्र में लूटे गए थे और एक अन्य मोबाइल फोन दयालपुर थाना क्षेत्र से चोरी किया गया था। पुलिस को शक है कि आमिर अन्य मामलों में भी शामिल हो सकता है। पुलिस इसी मामले की आगे की जांच कर रही है। अगर आपने हमारा अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। तो मिलते हैं फिर किसी और खबरों के साथ। नमस्कार।